ऐसा तो कुछ नहीं जो मैंने देखा नहीं है। तुम इतना जल्दी आ गए? चुप जा। क्या तुम पागल हो? जहाँ पर नहीं दिखोगे वहाँ जाओ, अंदर जाओ। लेकिन मैं क्यों छुप रहा हूँ? तुम्हारा इसके साथ क्या रिश्ता है? क्यों, इस सब से तुम्हें क्या मतलब? मेरा क्या मतलब? अगर हमारा बेटा उसे पापा बुलाएगा तो उसमें मेरा मतलब तो होगा ही ना। तुम्हें नहीं लगता शानचौन को ये एक्सप्लेन करना चाहिए उसके और मेरे बीच का नाता क्या है? मुझे नहीं लगता कि उसे इस मामले में कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, खास करके उसका असली पिता कौन है। शानचौन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यही मेरे पापा है ना? कि तुम इस घर में सिर्फ कुछ दिनों के लिए हो, इसलिए मेरी परमिशन के बिना तुम किसी चीज को हाथ नहीं लगाओगे। लेकिन तुम्हारे एग्रीमेंट में मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा लिखा नहीं है। पर मैं बता रही हूँ कि तुम ये सब नहीं कर सकते। क्या आप दोनों झगड़ा कर रहे हो? शानचौन, हम सिर्फ जोर जोर से बातें कर रहे थे। लेकिन हाँ। मेरे किंडरगार्टन के दोस्तों के मम्मी पापा बात करते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। हाँ, देखो हम भी हाथ पकड़ रहे हैं। देखो, उनके पापा अक्सर उनकी मम्मी को गले भी लगाते हैं। नहीं तो सब लोग बात करते वक्त गले नहीं मिलते। आगे से तुम दोनों झगड़ा मत करना। तुम्हें ये बड़े लोग भी ना कभी भी नहीं सुधरेंगे। तुम हमारे बेटे को इस गाड़ी में किंडरगार्टन भेजोगे? तो क्या चाहते हैं, हम चल के जाएं? ये नहीं हो सकता, ये बहुत डेंजरस है। चलो बेटा उठो, मैं तुम्हें किंडरगार्टन छोड़ दूंगा। तुम्हारे आने से पहले ऐसे ही छोड़ती थी। मैं हूँ ना यहाँ। इसमें इतना क्या अलग है, हवा तो लग ही रही है, आखिर बाइक जैसा ही तो है। मैं आज ये जानने आया हूँ कि सेकंड टेस्ट से रिलेटेड क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। कोई बात नहीं, सेकंड टेस्ट प्रिपरेशन के रिपोर्ट्स मिस्टर शीन को जितना जल्दी हो सके उतना दे दूंगी। क्या हुआ है? क्या हुआ सर? क्या चल रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शिंची, क्या ये चला गया? ये कैसे सोच लिया? मैं कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? तुम पागल हो? तुम वहां पे क्यों सो रहे हो? शिंची, अगर तुम्हें अपने घर के बड़े बेड की याद आ रही हो तो तुम जा सकते हो। मैं उस लंबे बेड में काफी सो चुका हूँ, और वैसे भी बीच बीच में बेड चेंज करना अच्छा होता है। तुम्हारे हरकतें काफी अजीब है, एक्टिंग करना बंद करो, उठ जाओ। बहुत कंफर्टेबल है। अगर ये इतना ही कंफर्टेबल है तो तुम यहीं पर सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा तो कुछ नहीं जो मैंने देखा नहीं है। इसे क्या ही बोलना? यहाँ पे कोई ढंग की कॉफी मिल सकती है क्या? तुम इस तरह की कैप्सूल वाली कॉफी पीती हो? अगर पसंद नहीं है तो मत पियो। गुड मॉर्निंग।
छुप जा। क्या हुआ? जल्दी छुप जाओ, चलो जाओ। क्या तुम पागल हो? जहाँ पर नहीं दिखोगे वहाँ जाओ, अंदर जाओ। लेकिन मैं क्यों छुप रहा हूँ? अगर ऐसा करोगे तो चैन-चैन को कभी देख नहीं पाओगे। जल्दी जाओ ना, जाओ जल्दी करो, चलो 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 आगे बढ़ो। मिनूई, वो बस मैं अपना एड्रेस ठीक कर रही थी, अंदर आओ ना। मुझे चिंता हो रही थी, है? मैंने तुम्हारे लिए और चैन-चैन के लिए नाश्ता लाया है। हाँ। चैन-चैन कहाँ पे है? वो अभी सो रहा है। वो अभी भी सो रहा है? लगता है रात को बहुत देर तक खेल रहा था। जरूर। हे, मुझे तुम्हें ये बताना था कि मैं 2 हफ्तों की ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, तो चिंता मत करो, मैं चैन-चैन के चेकअप के लिए जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। ओह ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसका ख्याल रख लूंगी। क्या हुआ? क्या यहाँ पे मच्छर है? मैं रैकेट लेके आता हूँ। अरे जो, कोई बात नहीं, तुम्हें इस सब की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने कहा कि तुम 2 हफ्तों में जा रहे हो, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए अपने बैग पैक करने के लिए। अगर चैन-चैन को कोई जरूरत हो तो मुझे बता देना। चिंता मत। और तुम्हें भी कुछ जरूरत हो तो मुझे ही बताना। हाँ, बिल्कुल। तो फिर मैं चलता हूँ। ठीक से जाना और ख्याल रखना। हाँ ठीक है। ओए, तुम चोरी छुपे ऐसे बाहर क्यों आए थे? लगभग उसने तुम्हें देख ही लिया था। तुम्हारा इसके साथ क्या रिश्ता है? क्यों, इस सब से तुम्हें क्या मतलब? मेरा क्या मतलब? अगर हमारा बेटा उसे पापा बुलाएगा तो उसमें मेरा मतलब तो होगा ही ना। क्या डैडी जो ब्रेकफास्ट लेके आए थे? हाँ चलो चैन-चैन ब्रेकफास्ट करते हैं। चैन-चैन, अब तुम्हारे पास अपने पापा हैं, तुम किसी को भी पापा नहीं बुला सकते, समझ गए ना? याद रखना इसे, तुम याद रखोगे ना? हाँ, क्या अब मैं ब्रेकफास्ट कर सकता हूँ? ये सारी तली हुई चीजें हैं, तुम्हारे हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं, चलो कुछ हेल्दी लेके आते हैं। शिनची। क्या हुआ? मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है। ठीक है, ध्यान से सुनो। पहले तो हम एक कर्फ्यू सेट करेंगे 12 बजे तक, ताकि चैन-चैन की नींद डिस्टर्ब ना हो, और उसके बाद कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। दूसरा, लिविंग रूम, किचन, बाथरूम और बालकनी, ये सब कॉमन एरियाज होंगे, इसका यूज मैं बाद में स्केड्यूल कर दूंगी, इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना। हम अपना 100% देंगे ताकि हम एक दूसरे से ना टकराए। तुम्हें लगता है तुम्हारे घर के साइज को देखते हुए ये पॉसिबल है? एटलीस्ट बाथरूम के लिए तो ठीक है। तीसरा, एक साथ रहने की कॉन्फिडेंशियल पॉलिसी, कोहाबाइटिंग, हमें इसे फॉलो करना ही होगा। और तुम्हारा जो शैन-शैन के साथ रिलेशन है, वो तुम्हें कॉन्फिडेंशियल रखना होगा, स्पेशली हम दोनों के कंपनीज में। किसी और को ये सब बातें बताना अलाउड नहीं है, और अगर किसी को पता चला तो फिर तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा। ये क्लॉज तो नॉन निगोशिएबल है। हाँ, ये क्लॉज मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या तुम खुद इस पर टिक पाओगी? हो गया सब? हो गया। तुम्हें नहीं लगता शैन-शैन को ये एक्सप्लेन करना चाहिए उसके और मेरे बीच का नाता क्या है? मुझे नहीं लगता कि उसे इस मामले में कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, खास करके उसका असली पिता कौन है। शैन-शैन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यही मेरे पापा है ना? तुम जानते हो? तुम कब से मेरे सामने यही कह रही हो, मैं बहरा नहीं हूँ, मैं सब समझता हूँ। पर क्या तुम्हें सच में ये सब समझता है? ये तुम्हारे पापा है, पर ये जो है वो डैडी जू से बहुत ही अलग है। मुझे पता है डैडी जू मेरे असली पापा नहीं है, लेकिन ये मेरे असली पापा है। ये सच में मेरा बेटा है, एकदम मेरी तरह तेज, मेरा बेटा, याद रखना। अब इसके आगे तुम किसी को भी अपना पापा कह के नहीं बुला सकते, ठीक है? मुझे पापा बुला, चलो। मुझे नहीं लगता मम्मी को अच्छा लगेगा अगर मैं पापा कहूँगा। जब तक वो नहीं कहेंगी, मैं तुम्हें शिनची ही बुलाऊंगा। ओह, तुम वाकई में मेरे बेटे हो, बिल्कुल मेरी तरह तेज। चलो यहाँ जाकर चेंज करो, तब तक मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। हाँ जाओ। मेरे पास पापा है, पापा है, पापा है। चलो मुझे डैडी बुलाओ, चलो चलो बुलाओ। जैसे मैंने कहा, मम्मी नहीं चाहती मैं तुम्हें पापा कहूँ। ए, समझे? मैं जाकर खाना बनाती हूँ। चलो, कान में कहो। पापा।
पास एक और। हेलो, हाँ बोलो। पहले उस बग को ट्रबल शूट करो, तब तक मैं पहुंच जाऊंगी, फिर बात करते हैं। अच्छा थोड़ी जल्दी में हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। अरे यार, इससे अच्छा तो हम योशो ही खा लेते। शान, ये तुम्हारे लिए। थोड़ा सा जल गया है लेकिन तुम खा सकते हो, दिख तो अच्छा रहा है। हाँ चलो खाओ। तुम ये खाना खिलाते हो मेरे बच्चे को रोज? आखिर तुम्हारी एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? ग्रेन्स, प्रोटीन, मीट और मिल्क, एक परफेक्ट बैलेंस डाइट जो शान के ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, समझे? ये बैलेंस डाइट है? बैलेंस डाइट के साथ अच्छा टेस्ट भी होना चाहिए। यहाँ तो खाना आधा जला है। भले ही तुम इसे रोज खा लो लेकिन हमारा बच्चा पक चुका है। शिनची, मिडिल क्लास फैमिली रोज ऐसा ही ब्रेकफास्ट करती है। एक तो हम ये खाते हैं या फिर ऑर्डर करते हैं। अगर हर दिन तुम्हें कुछ नया खाना हो जो न्यूट्रिशियस भी हो तो फिर वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा। और अगर तुम्हें नहीं खाना है तो? अगर वो खा सकता है तो मैं भी खा सकता हूँ। मुझे एक फ्रूट जूस का ग्लास चाहिए। जाओ खुद ले आओ। चीयर्स बेटे। शंशन ध्यान मत दो, तुम खाओ। टेस्ट तो अच्छी लग रही है और साथ में अंडे भी। अचानक से ठंडा क्यों हो गया? होए। हाँ? तुम्हारा वाटर हीटर खराब है। हो ही नहीं सकता, अभी तो बदला है। क्या तुमने तोड़ दिया? अगर खराब किया हो तो मुझे इसके पैसे चाहिए। अरे क्या कर रही हो? टूटा नहीं है, सिर्फ गर्म पानी खत्म हो गया है। कुछ भी बोलते रहते हो। देखो वहाँ पर रेड लाइट और ग्रीन लाइट है। जब रेड लाइट चालू हो तो समझ लेना गर्म पानी खत्म हो गया है, और नहाने से पहले ग्रीन लाइट होने तक रुक लिया करो। कैसी मुसीबत है। हाँ कुछ नहीं कर सकते, ये कोई हाईफाई कम्युनिटी नहीं है जो 2400 घंटे गर्म पानी दे। आमतौर पर हम दोनों के लिए एक ही बकेट काफी होती है। अगर तुम्हें सबसे प्रॉब्लम हो रही है तो तुम जा सकते हो। बस खा भी देखते रहो तुम, ये तो बस गर्म पानी है। मुझे नहीं चाहिए गर्म पानी, मैं कोल्ड शावर्स ले लूंगा, जाओ। सच में? ओ, काफी ठंडा है, यकीन से कह सकती हूँ, तुम्हें इतना ही लगता होगा। इसका क्या मतलब है? तुम भी आओगी क्या? तुम सच में पागल हो। उच्छ! मिस मीन ने आपको मिस्ट का पहला टेस्ट डेटा भेजा है, आप जल्दी से जल्दी इसे चेक कीजिए। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सेकंड टेस्ट चालू कर सकते हैं। ग्वांचो के मिस्टर शेंग आपके साथ खाना चाहते हैं। जेरन हॉस्पिटल के टेंडर सबमिशन के सिलसिले में वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं। हॉस्पिटल जाना है? मैं उनसे फ्राइडे को मिलूंगा। ओके मैं डेटा देख लेता हूँ। बीएजएल मेडिटेक से कहना जल्दी सेकेंड टेस्ट की तैयारी करें। अच्छा बीजिंग की कॉन्फ्रेंस कब है? आधे घंटे में है। एक 20 मिनट का नैप ले रहा हूँ, कॉल के पहले उठा देना। क्या चैनचन आप ही का बेटा है? मेरा मतलब बायोलॉजिकल। हाँ यकीनन वही है, मैं वही सोच रहा था कि वो एग्जैक्टली आप ही की जैसा दिखता है। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि वो आपका बेटा नहीं है। बिल्कुल, वो बड़ा होकर मुझसे भी ज्यादा हैंडसम लगेगा। तुमने उसे क्या कहा?
छोटा चौन, अगर आपको पसंद नहीं आया तो मैं इसी नाम से उसे बुलाना, तुम्हारी सैलरी डबल। शुक्रिया बॉस, आई लव यू। श्वान जूनियर बुरा नहीं है। अच्छा तुम्हें मेरे साथ खाना बोर हो रहा है क्या? तुम्हें कितनी नींद आ रही है? कल फिर ओवरटाइम क्या? डार्क सर्कल्स देखो। अगर सिर्फ मैं ओवरटाइम काम करती तो मुझे उसके पैसे मिलते, और वैसे भी मुझे ओवरटाइम काम करना पसंद है। हाँ, क्या मतलब तुम्हारा? अरे कुछ नहीं, वो छोड़ो, हमारी पहली टेस्ट हो गई है और करंट प्रोग्रेस देखते हुए हमारी दूसरी भी हो जाएगी, और जब मीस्ट ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा तब मैं AI सॉफ्टवेयर पर काम करना भी चालू कर दूंगी। सुन लिया, मैंने दोनों कानों से सुना। जब मिस लॉन्च हो जाएगा तब मैं मिस्टर ही से AI मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के बजट के इशू के बारे में बात करूंगी। ओके, अब ठीक है मिस मी? आई लव यू। अब खाए साथ में? हाँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तुम्हें एकेडमिक एक्सचेंज कैसा लगा जहाँ हम लोग गए थे? मैंने बहुत कुछ सीख लिया। मैंने जो कुछ भी सीखा है मैं अपने कलीग्स के साथ शेयर करूंगा। हम भी ऐसा ही सोच रहे हैं। कार्डियोथोरेसिक सर्जरी डिपार्टमेंट में तुम हो तो मेरी परेशानी कम होगी। लगाई? अरे मैं आपका कब से वेट कर रही थी। तुमने इसे कभी नहीं देखा होगा, ये मेरी बेटी है याओ जीजू। ये जानती थी मैं बीजिंग आ रहा हूँ तो उसने आने की जिद की। डॉक्टर जो, क्या कोइंसिडेंस है, हम फिर मिल गए। तुम पहले मिले हो? आपने मेरी हेल्प की थी जब मेरे पैर पे चोट आई थी और दर्द हो रहा था। हाँ, मुझे याद आ गया। तुम्हें चोट लगी थी? कब लगी थी? मुझे कैसे नहीं पता था? बहुत पहले ठीक हो गई थी इसलिए आपको नहीं बताया। मुझे यकीन है ये अच्छे डॉक्टर है। अगर मिले ही है तो वीचैट पे ऐड हो जाओ। ठीक है, स्कैनर दिखाओ। मुझे जूजू कह सकते हो? मेरा नाम है जोरू जी। शानशान चलो जल्दी करो ना, मेरी सुबह इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ठीक है। क्या तुम मेरा लैपटॉप प्लीज मेरे बैग में डालोगे? हाँ। शुक्रिया। अयो, कितना भारी। अगर तुम्हें जल्दी है तो मैं शानशान को किंडरगार्टन छोड़ दूंगा। ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें इस मीटिंग में नहीं जाना है। क्या तुमने लैपटॉप रख दिया? थैंक यू बेबी। हाँ, मुझे एक मीटिंग में जाना है, लेकिन अगर मुझे देर हो जाए तो शायद ही कोई कुछ मुझे कहेगा। लेकिन मेरे लिए अलग है। चलो जल्दी, चलो 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 जल्दी, हरी आप। स्कूल जाने का वक्त हो गया। स्कूल जाने का समय हो गया। तुम्हारा हेलमेट पहनो। तुम हमारे बेटे को इस गाड़ी में किंडरगार्टन भेजोगे? तो क्या चाहते हैं, हम चल के जाएं? ये नहीं हो सकता, ये बहुत डेंजरस है। क्या डेंजरस है इसमें? ऐसा नहीं कि ये पहली बार बैठ रहा है। हाँ मैं बैठा हूँ इसलिए तो मुझे पता है ये डेंजरस है। चलो बेटा उठो, मैं तुम्हें किंडरगार्टन छोड़ दूंगा। तुम्हारे आने से पहले ऐसे ही छोड़ती थी। मैं हूँ ना यहाँ। अब तुम ज्यादा बोल रहे हो। मैं नहीं, तुम कह रही हो। आप ऐसे ही करते रहोगे तो मुझे लेट हो जाएगा। तुमने सुना, उसे देर हो रही है। नहीं, ये मेरे बच्चे का सेफ्टी का सवाल है, मैं छूट नहीं दूंगा। इसमें इतना क्या अलग है, हवा तो लग ही रही है, आखिर बाइक जैसा ही तो है। ये बहुत ही अलग है। इसमें चाइल्ड सीट भी इंस्टॉल्ड है, लगता है काफी तैयारी से आए हो। मैं जंग पर बिना तैयारी के नहीं जाता। हाँ, ऐसा बोल रहे हो जैसे तुमने उसके लिए प्राइमरी की बैग भी लाई है। बैग तो कुछ भी नहीं है, वो आगे जाकर कितना बढ़ेगा, उसके सारे साल भर के कपड़े भी ले लिए। शानशान, तुम्हारे राइट में ब्रेकफास्ट है, देखो तुम्हें पसंद है क्या। यहाँ पे एक बनी है और टाइगर भी जिसके ऊपर किंग लिखा है। तो क्या तुम्हें पसंद आया? हाँ। अगर तुम्हें पसंद आया तो वो कुक हायर कर ले ब्रेकफास्ट के लिए। हाँ। ज्यादा मत खाना शानचान, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। यम्मी है।
मुझे मिस के पहले सेट ऑफ डेटा से बहुत खुशी मिली। मैं आज ये जानने आया हूँ कि सेकंड टेस्ट से रिलेटेड क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। कोई बात नहीं, सेकंड टेस्ट प्रिपरेशन के रिपोर्ट्स मिस्टर शीन को जितना जल्दी हो सके उतना दे दूंगी। क्या तुम मेरा लैपटॉप प्लीज मेरे बैग में डालोगे? हाँ। शुक्रिया। अयो। यस्मीन। हाँ? क्या आपके लैपटॉप में कुछ खराबी है? मैं चेक करूँ? नहीं, मेरा लैपटॉप ठीक है। मैं ऐसे ही रिपोर्ट दे रही हूँ। तो मीस्ट के पहली टेस्ट का डेटा देखते हुए हमारे इक्विपमेंट्स काफी अच्छे चल रहे हैं। सिर्फ एक माइनर इशू हुआ था सिस्टम कंपैटिबिलिटी का, लेकिन वो हमने सॉर्ट करके उसमें कुछ नेसेसरी एडजस्टमेंट कर दिए हैं। अब हम सेकंड टेस्ट के लिए प्रोसीड करें। हेलो। क्या कर रहे हो? मेरा पासवर्ड क्रैक करना चाहते हो? क्या तुम चलते वक्त आवाज नहीं कर सकती? चलो अभी कोई नहीं है, मुझे मेरा लैपटॉप दे दो। क्या तुम जानती हो ब्लू जे के कितने सीक्रेट्स मेरे लैपटॉप में हैं? अगर इतनी इम्पोर्टेंट सीक्रेट्स है तुम्हारे लैपटॉप में तो फिर मेरे घर क्यों लेके आए? एक तो लापरवाही से मेरा लैपटॉप उठाती हो और ऊपर से मुझे ही। तुमने इसे उठाया होगा, मुझे इस बारे में क्या पता? ये आखिरी बार है तुम ऐसा कर रही हो, फिर से ऐसे मत करना। हाँ, तुम ये जानबूझ के तो नहीं कर रही ताकि सबको पता चल जाए हम साथ में रह रहे हैं? क्या तुम इस तरह की बातें बंद करोगे प्लीज? तुम्हें क्या लगता है हर लड़की को तुम पसंद हो और उसे तुम्हारे साथ ही रहना है? दूसरों का तो पता नहीं लेकिन तुम्हारे बारे में तो। अगर तुमने फिर से ऐसी बात। तो मैं इस फॉर्म के बारे में बात कर रही थी। हाँ, तुम इसके साथ प्रोसीड कर सकती हो। हाँ ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया मिस्टर शीन। ठीक है तो फिर मैं अभी चलती हूँ, आप अपना कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू मिस मीन। नहीं कोई बात, मिलते हैं। तुम चलते वक्त आवाज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यह कारपेट है। कल तक निकल जाना चाहिए। ये कैसे हो पाएगा? आपको वापस अपने घर रहने जाना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप जल्दी मर जाओ। क्या तुम मुझे श्राप दे रहे हो? शानश्वान के साथ मुझे बड़ा मजा आ रहा है, बस थोड़ा बेड छोटा है और गीजर में भी पानी नहीं है और कॉफी का मशीन। कॉफी? हमारे कंपनी में कॉफी मिलती है, मैं अभी लेकर आता हूँ, रुकिए। कॉफी का मशीन, बेड है? अब ये हद से ज्यादा हो रहा है। हाँ? ये आयरन मैन। तुमने मेरी परमिशन लिए बिना चांचन की पूरी रूम कैसे बदल दी? डैडी ने कहा आयरन मैन का एक सीक्रेट कमरा होता है और ये मेरा सीक्रेट कमरा है। ओ, क्या अब तुम उसकी बात सुनने लगे हो? ऐसा पहले कब हुआ था जब तुमने मेरी बात नहीं सुनी? ये शानचन का रूम है इसलिए मुझे सिर्फ उसका परमिशन लगा, सही है ना शानचन? सच कहा। तुम यहाँ आओ। और ये इस कॉफी मशीन का क्या? मैं तो बड़ा मशीन लेने वाला था ज्यादा फंक्शंस के साथ, लेकिन तुम्हारा घर बहुत छोटा है इसलिए मैंने छोटा वाला ले लिया। तुम भी यूज कर सकती हो, मैं पैसे नहीं लूंगा इसके। लगता है तुमने काफी सफर किया। मेरे बेटे के लिए ये तो कुछ भी नहीं। ये बताओ मेरा हीटर कहाँ है? तुमने देखा, ये लेटेस्ट AI वाटर हीटर है, मुझे समय लगा चुनने में। मैं पूछ रही हूँ तुमने इस हीटर को रिप्लेस क्यों किया? वो टूटा हुआ था, याद है ना तुम्हें? वो टूटा हुआ नहीं था, उसे बस कुछ देर लगती है पानी गर्म होने।
वो छोड़ो, ये बात बताओ मेरे घर में इतने सारे गार्ड स्ट्रिप्स क्यों लगा के रखे हैं? क्या तुम शानशान को नहीं जानते? वो अब बड़ा हो गया है, उसे इतने सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस की जरूरत नहीं है, सब तहस महस कर दिया है। मैं सबको जरा आराम की जिंदगी देना चाहता हूँ और कुछ नहीं। तुम्हें ये याद रखना होगा कि तुम इस घर में सिर्फ कुछ दिनों के लिए हो, इसलिए मेरी परमिशन के बिना तुम किसी चीज को हाथ नहीं लगाओगे। लेकिन तुम्हारे एग्रीमेंट में मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा लिखा नहीं है। पर मैं बता रही हूँ कि तुम ये सब नहीं कर सकते। क्या आप दोनों झगड़ा कर रहे हो? नहीं तो मैं डर गया था। नहीं नहीं, डरना मत, हम दोनों झगड़ नहीं रहे, बस बात कर रहे हैं। हाँ, हम सिर्फ बातें कर रहे थे। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम बातें करते वक्त चिल्लाते नहीं हो। शानशान, हम सिर्फ जोर जोरों से बातें कर रहे थे। हाँ? तुमने शायद कुछ गलत सुना होगा। लेकिन मेरे किंडरगार्टन के दोस्तों के मम्मी पापा बात करते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। हाँ देखो, हम भी हाथ पकड़ रहे हैं। देखो, हमने हाथ पकड़ा है। उनके पापा अक्सर उनकी मम्मी को गले भी लगाते हैं। नहीं तो सब लोग बात करते वक्त गले नहीं मिलते। देखा, ठीक है शानशान, ठीक है ना? अब अच्छा दिख रहा है, आगे से तुम दोनों झगड़ा मत करना। हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है। तुम्हें तुम्हें ये बड़े लोग भी ना कभी भी नहीं सुधरेंगे। आ गई। हाँ, तुम क्या कर रहे हो? वाह, तुमने सब साफ किया, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं यहाँ पे ऐसे ही नहीं रह सकता ना, माफ करना, इसके बारे में मैंने पूछा नहीं। अरे कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुमने सब साफ कर दिया तो मुझे पता नहीं मेरी चीजें कहाँ रखी है। तुम चिंता मत करो, मुझे सब पता है कहाँ पे क्या रखा है। ये ड्रिंक जरा ट्राई करना, इस ड्रिंक की रेसिपी मेरे दोस्तों ने बताई है। आराम से, उन्होंने बताया लड़कियों को ये पसंद आता है, टेस्ट करो। अच्छा है ना? अच्छा है। ऐसा है तो तुम्हारे लिए हमेशा बनाऊंगा। तुम्हारा लेजर बीम तो बड़ा ही पावरफुल है। शिनशी, क्या मैं कूल हूँ? हाँ, अब हम कल कूल बनेंगे। आ जाओ, तुम्हारे शर्ट के बटन लगा दूँ। तो ऐसा लगता है जब अपना बच्चा होता है। शानशान, तुम बिल्कुल भी नहीं जानते कि मैं आज कितना खुश हूं। तुम मेरे पापा जल्दी क्यों नहीं बन गए? मुझे तो तुम्हारे इससे पहले तुम हो इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, और मैं जब छोटा था उससे बेटर लाइफ है तुम्हारे पास। मैं जब छोटा था मेरे पास पापा भी नहीं थे और मम्मी भी नहीं थी। तो क्या उन्हें तुम्हारे बारे में पता नहीं? उन्हें मैं पसंद नहीं था। उस समय मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ और अकेलापन भी, तो इसलिए मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, चाहे आगे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अकेला बड़ा होने नहीं दूंगा। जैसे कि मेरा बचपन गया, जब तुम बड़े होगे तब मैं तुम्हें राइडिंग, रेसिंग, शूटिंग एरोज सब कराने ले जाऊंगा, ठीक है? क्या कहते हो? तुम जो चाहोगे हम सब करेंगे। हम वो सब मिनहुई के साथ करेंगे। हाँ बिल्कुल, चलो सोने का टाइम है, किस दो।
अब सो जाओ। अपने आप को अच्छे से ढकना। तुम अपना प्रॉमिस याद रखना। हाँ बिल्कुल, मैं अपना प्रॉमिस रखूंगा। क्या चैन चैन ठीक है? मेरे पास दो एकेडमिक एक्सचेंज सेशंस और बचे हैं, शायद आने में थोड़ी देर हो जाएगी। अगर मैं उसके सामने अचानक से आ जाऊंगी तो उसे लगेगा हम दोनों का मिलना नसीब में ही था। माफ करना। क्या तुम ठीक हो? बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान। क्या तुम ठीक हो? आ जाओ आराम से। मम्मी हमारे साथ खाना खाने आ जाओ। हाँ आ रही हूँ। चंचन तुम दोनों साथ में क्यों बैठे हो? धीरे खाओ, इतना तेज खाओगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा। मैं जितने जल्दी खाऊंगा उतने जल्दी खेलने जाऊंगा। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? जबकि वीकेंड है, मैं शानचान को बाहर ले जाना चाहता हूँ। अगर तुम्हें उसे बाहर लेके जाना है तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी और अप्रूवल आने तक रुकना भी होगा? लेकिन ये प्लान तो जरा लास्ट मिनट है, सही कहा ना शानचान? ठीक है जाओ। ये जरा धीरे से खाओगे? दर्द हो रहा है। क्या बात है? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। डॉक्टर जू, क्या आप सबका इतना ध्यान रखते हो? सारे पेशेंट्स मेरे लिए एक समान हैं। अब ठीक है, देख लो, कुछ भी हेवी चीज मत उठाना और अपना ध्यान रखना। हाँ। क्या तुम्हें ब्रेन सीटी स्कैन करना है? हाँ? तुम्हारे सिर पर तो चोट नहीं लगी ना? नहीं, क्यों? तो चोट लगने के बाद इतनी खुश क्यों हो? क्योंकि मैं यूनिक हूँ, इस बात से तुम्हें कोई दिक्कत है? तो जबकि तुम अभी ठीक हो गई हो, मैं चलता हूँ। नहीं, मैं कब से तुम्हारा वेट? नहीं, मैं अपने पापा के साथ खाना खाना चाहती थी पर वो किसी काम के साथ बिजी थे इसलिए नहीं आए। तुमने खाना खाया? क्या तुम मेरे साथ लंच पे चलोगी? मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है। चलो भी, अकेली कहाँ खाऊंगी मैं, हम साथ में बहुत कुछ खाएंगे। वाओ, कितना बड़ा मॉल है ये। मेरे बेटे, हाँ? ये जगह तुम्हें कैसे लगी बताओ? क्या ये मॉल तुम्हारा है? नहीं ऐसा नहीं, लेकिन तुम कुछ भी खा सकते हो, खेल सकते हो और जो चाहे खरीद सकते हो। क्या मैं कुछ टॉयज खरीद सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। या! अरे आराम से।
तुम सिर्फ एक दिन घूमने के लिए गए थे, इतना क्या खरीद के लाए हो? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, शानचन और मैंने बहुत सारी चीजें खरीदी हैं। तुम्हारे कपड़े शानचन? हाँ? तुम बाहर पहनने वाले शूज यहाँ क्यों पहन के आए? क्योंकि ये अच्छे हैं। क्योंकि ये अच्छे हैं। शिनची, तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है।